कर्ण का वक्तव्य, भीष्म द्वारा उसकी अवज्ञा, कर्ण की प्रतिज्ञा, विदुर का वक्तव्य तथा धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कर्ण ने कहा, गुरुवर परशुराम जी से मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह अभी तक मेरे पास है, अतः अर्जुन को जीतने में तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ। उसे परास्त करने का भार मेरे ऊपर रहा। यही नहीं, मैं पांचाल, करुष, मत्स्य और बेटे पोतों के सहित अन्य सब पांडवों को भी एक क्षण में मारकर शस्त्र अस्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त करूंगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजा लोग भी आपके ही पास रहें। पांडवों को तो अपनी प्रधान सेना के सहित जाकर मैं ही मार दूंगा। यह काम मेरे जिम्मे रहा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्म जी कहने लगे, कर्ण, तुम्हारी बुद्धि तो कालवश नष्ट हो गई है। तुम क्या बढ़-बढ़कर बातें बना रहे हो? याद रखो, इन कौरवों की मृत्यु तो पहले तुम जैसे प्रधान वीर के मारे जाने पर ही होगी। इसलिए तुम अपनी रक्षा का प्रबंध करो। अजी, खांडव वन का दाह करते समय श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जो काम किया था, उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों के सहित होश में आ जाना चाहिए। देखो, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घोर संग्राम में वे तुम जैसे चुने-चुने वीरों का ही नाश करेंगे। यह सुनकर कर्ण बोला, पितामह जैसा कहते हैं, श्री कृष्ण तो निस्संदेह वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु इन्होंने मेरे लिए जो कुछ कड़ी बातें कही हैं, उनका परिणाम भी ये कान खोलकर सुन लें। अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ। आज से मुझे पितामह रणभूमि या राजसभा में नहीं देखेंगे। बस जब आपका अंत हो जाएगा, तभी पृथ्वी के सब राजा लोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा से उठकर अपने घर चला गया। अब भीष्मजी सब राजाओं के सामने हंसते हुए राजा दुर्योधन से कहने लगे, राजन, कर्ण तो सत्य प्रतिज्ञा है, फिर उसने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति सहस्त्रों वीरों का संहार करूंगा, उसे वह कैसे पूरी करेगा? इसका धर्म और तप तो तभी नष्ट हो गया था जब इसने भगवान परशुराम जी के पास जाकर अपने को ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभा से चला गया, तो मंदमती दुर्योधन कहने लगा, पितामह, पांडव लोग और हम अस्त्र विद्या योद्धाओं के संग्रह तथा शस्त्र संचालन की फुर्ती और सफाई में समान ही है और है भी दोनों मनुष्य जाति के ही। फिर आप कैसे समझते हैं कि पांडवों की ही विजय होगी? मैं आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहलीक अथवा अन्य राजाओं के बल पर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूँ। पांचों पांडवों को तो मैं कर्ण और भाई दुशासन, हम तीन ही अपने पैने बाणों से मार डालेंगे। इस पर विदुर जी ने कहा, वृद्ध पुरुष इस लोक में दम को ही कल्याण का साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, तप, ज्ञान और स्वाध्याय का अनुसरण करता रहता है, उसी को दान, क्षमा और मोक्ष यथावत रूप से प्राप्त होते हैं। दम तेज की वृद्धि करता है, दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है, वह पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है। राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचंचलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा इतने गुण हो, वह दांत कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा,
बढ़ बढ़कर बातें बनाना, मान, ईर्ष्या और शोक इन्हें तो अपने पास फटकने नहीं देता। कुटिलता और शठता से रहित होना तथा शुद्धता से रहना यह दमशील पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगों के चिंतन से विमुख और समुद्र के समान गंभीर होता है, वह दमशील कहा गया है। अच्छे आचरण वाला, शीलवान, प्रसन्न चित्त, आत्मवेता और बुद्धिमान पुरुष इस लोक में सम्मान पाकर मरने पर सद्गति प्राप्त करता है। तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुना था कि किसी समय एक चिड़ी मार ने चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल फैलाया। उस जाल में साथ साथ रहने वाले दो पक्षी फंस गए। तब वे दोनों उस जाल को लेकर उड़ चले। चिड़ी मार उन्हें आकाश में चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर जिधर वे जाते उधर उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही एक मुनि की उस पर दृष्टि पड़ी। उस व्यात से उन मुनिवर ने पूछा, अरे व्यात, मुझे यह बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर भटक रहा है। व्यात ने कहा, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, इसलिए मेरे जाल को लिए जा रहे हैं। अब जहां इनमें झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश में आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में काल के वशीभूत हुए उन पक्षियों में झगड़ा होने लगा और वे लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। बस चिड़ी मार ने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुंबियों में संपत्ति के लिए परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आप सदारी के काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और आपस में मिलते जुलते रहना है। जो शुद्ध हृदय पुरुष समय आने पर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। एक बार कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए थे। वहां हमने एक शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। अनेकों विषधर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे। वह ऐसा गुण युक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पाले तो अमर हो जाए, अंधा सेवन करे तो सूजता हो जाए और बूढ़ा युवा हो जाए। यह बात हमने रासायनिक ब्राह्मणों से सुनी थी। भी लोग उसे प्राप्त करने का लोभ न रोक सके और उस सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है। इसे मोहवश शहद तो दिख रहा है, किंतु अपने नाश का सामान दिखाई नहीं देता। याद रखिए, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओं को जला डालता है, वैसे ही द्रुपद, विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन ये संग्राम में किसी को भी जीता नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राजन, आप महाराज युधिष्ठिर को भी अपनी गोद में स्थान दीजिए, नहीं तो इन दोनों का युद्ध होने पर किसकी जीत होगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। तुम अनजान बटोही के समान इस समय कुमार्ग को ही सुमार्ग समझ रहे हो। इसी से तुम पांचों पांडवों के तेज को दबाने का विचार कर रहे हो। परंतु याद रखो, उन्हें जीतने का विचार करना अपने प्राणों को संकट में डालना है। श्री कृष्ण अपनी देह, गेह, स्त्री, कुटुंबी और राज्य को एक ओर तथा अर्जुन को दूसरी ओर समझते हैं। उसके लिए वे इन सभी को त्याग सकते हैं। जहां अर्जुन रहता है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं और जिस सेना में स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं, उसका वेग तो पृथ्वी के लिए भी असह्य हो जाता है। देखो, तुम सत्पुरुषों और तुम्हारे हित की कहने वाले सुहृदों के कथनानुसार आचरण करो और इन वयोवृद्ध पितामह भीष्म की बात पर ध्यान दो।
मैं भी कौरवों के ही हित की बात सोचता हूँ। तुम्हें मेरी बात भी माननी चाहिए और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज बाहलीक के कथन पर भी ध्यान देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ये सब धर्म के मर्मज्ञ और कौरव एवं पांडवों पर समान स्नेह रखने वाले हैं। अतः तुम पांडवों को अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो।